तो लैपटॉप के मदरबोर्ड में तीन तरह के डायोड यूज होते हैं। पहला जो होता है नॉर्मल डायोड, उसे हम रेक्टिफायर डायोड कहते हैं। दूसरा लाइट एमिटिंग डायोड LED, और तीसरा जो होता है वो जेनर डायोड यूज होता है। ओके, ये तीन तरह के जो डायोड होते हैं वो लैपटॉप के मदरबोर्ड में यूज होते हैं। तो गूगल क्रोम ओपन करिए आप। मेरे पे शो नहीं कर रहा। आप विंडो एक बार रिफ्रेश करिए, मेरे को तो नहीं समझ आ रहा है। हेलो, दोबारा से कनेक्ट। हाँ, दोबारा से नहीं आया ना, दोबारा से कर रहे कनेक्ट। हाँ, अब आ गया। ओके, तो हम लोग बात करेंगे इस वाले डायोड की। क्लियर? एक सिरा इसका होता है जो है एनोड होता है, इसको प्लस कहते हैं, और दूसरा सिरा कैथोड, इसको हम लोग पीएन जंक्शन डायोड भी कहते हैं। पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं, या फिर इसे हम लोग रिएक्टिफायर डायोड भी कहते हैं, या फिर इसको नॉर्मल डायोड भी कहते हैं। ओके, तीन तरीके के इसके नाम है। तो ये भी लैपटॉप में यूज़ होता है। ओके, इसके बहुत तरीके के यूज़ होते हैं आगे चल के, जैसे कि आज के डेट में जो AC से DC जो बनता है वो इसी डायोड की मदद से बनते हैं। ये चार डायोड बना के ब्रिज रेक्टिफायर लोग बनाते हैं, और जो चार्जर वगैरह जो लैपटॉप का ही चार्जर आता है उसमें भी ब्रिज रेक्टिफायर लगा होता है। तो सिंपली इसका एक सिरा जो होता है प्लस होता है, और एक सिरा माइनस होता है। ये जो डायोड तुम आप देख रहे हो, और इसका सर्किट सिंबल भी ऐसे ही बना होता है। PN जंक्शन, P का मतलब होल्स हो गए यानी एनोड, और N का मतलब माइनस यानी इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड। इसको PN जंक्शन इसलिए कहते हैं। अब जंक्शन क्यों कहते हैं PN जंक्शन? ऐसे हम लोग बोलते हैं रेलवे जंक्शन। तो रेलवे जंक्शन पे क्या होते हैं, बहुत से लोग आते और जाते रहते हैं, ऐसे ही इसको हम लोग बोलते हैं PN जंक्शन। तो PN जंक्शन का मतलब बहुत से होल्स और बहुत से इलेक्ट्रॉनों का आवागमन यहाँ पे होता है, इसीलिए इसको PN जंक्शन डायोड कहते हैं। और जो ये बना होता है किस मटेरियल का होता है, ये अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर का बना होता है। ठीक, सिलिकॉन और जर्मेनियम का दोनों ये तत्व जो होते हैं ये अर्धचालक होते हैं। ओके, आप तो पढ़े होंगे अर्धचालक, पढ़े हैं आप? हाँ, तो वही अर्धचालक का जो है ये डायोड होता है। तो जो आप नीचे जो देख रहे हैं डायोड, ये डायोड आपको नॉर्मल सर्किटों में मिलेगा, जो बेसिक सर्किटें होती हैं SMPS TV रेडियो उनमें मिलेगा। लैपटॉप में इस तरीके का डायोड जो है वो नहीं मिलेगा। ओके, तो जो लैपटॉप में होगा, तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था वो SMD कंपोनेंट लगे होते हैं। तो आगे हम जब टाइप करेंगे SMD तो मेरे पास सामने आ जाएंगे, सब पे ये डायोड मिलेगा आपको इस तरीके से। ये बाहर की तरफ हल्के से पॉइंट लगे होंगे, नंबर अलग अलग हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये एक लाइनिंग रहेगी इसके ऊपर पट्टी टाइप। ये डायोड बहुत तरीके से मिलेगा, देखो यहाँ पे। तो इसको ध्यान से पहचानो कि इसी तरीके के जो डायोड हैं वो लैपटॉप के मदरबोर्ड पे आपको दिखाई पड़ेंगे। और जो कि डायोड है तो इसको हम लोग D से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट जो करते हैं D से। जितने भी डायोड हैं, चाहे LED डायोड हो और चाहे तुम्हारा जेनर डायोड हो, बहुत तरीके डायोड होता है। फोटो डायोड भी होता है लेकिन लैपटॉप में यूज़ नहीं होता है। पिन डायोड होता है, सिग्नल डायोड होता है, वेरेक्टर, बहुत तरीके के डायोड होते हैं, लेज़र डायोड होता है ये। अब लेकिन आपके लैपटॉप में नहीं यूज़ होते हैं, आपके लैपटॉप में सिर्फ 3 होते हैं। तो पहला डायोड ये, तो ये पहचान है उसकी जाके। ठीक है, पहचान जाएंगे आप। सर्किट सिंबल भी आपने इसका देख लिया। ओके, अब इसका हम डायोड का वर्क देखते हैं। जो वर्क होता है आपको कुछ पता है इसके बारे में, वर्क के बारे में? हेलो, हाँ,
जी, हाँ देखो, जो जो इसकी जो वर्किंग होती है डायोड की, यहाँ पे देख लेते हैं मैं तो सर्किट सिंबल पे। इसका वर्क होता है वोल्टेज को एक ही दिशा में प्रवाहित करना, ठीक है, यानी कि वन वे की तरह, यानी कि जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं ट्रैफिक के, तो एक साइड से जाते हैं और दूसरे साइड से आते हैं, ऐसा होता है नहीं होता है, ठीक है। तो वही काम इसका है यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे दिख रहे हैं आप एनोड यानी प्लस सिरा है ये, और ये वाला कैथोड यानी माइनस सिरा है, यानी कि पी एन सिरा है। तो यानी कि जैसे प्लस सिरे से अगर हम 10 वोल्ट यहाँ से अगर इस डायोड को देंगे इस सिरे से, तो इस साइड कैथोड की तरफ वो वोल्टेज निकल जाएगा आगे की तरफ, क्लियर, ठीक। लेकिन अगर हम माइनस सिरे से 10 वोल्ट इस साइड से देंगे, तो ये एन सिरा है यहाँ पे आके वो वोल्टेज जो है वो रुक जाएगा इसी जगह पे, इस जगह पे, यानी कि प्लस की तरफ वोल्टेज नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि वोल्टेज जो है वो जा तो सकता है लेकिन वापस नहीं आ सकता है, ठीक है। तो ये काम होता है इसका डायोड का, और ऐसे ही वर्क करता है ये, क्योंकि तो एन सिरा होता है ये, तो यहाँ से करंट जो होता है वो प्लस की तरफ नहीं आता है, और प्लस से जो करंट होता है एन की तरफ निकल जाता है। तो यानी कि विद्युत धारा को या वोल्टेज को एक ही दिशा में प्रवाहित करना, ये इसका बेसिकली जो है काम होता है, क्लियर। इसी की वजह से जो है वन एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमको हेल्प पे मिलती है जो है बिजली रेक्टिफायर, इसी वजह से बनता है, ठीक है। अब आप दिखाइए कोई मदरबोर्ड जो है एचपी G4 का, ओपन करिए आपके लैपटॉप में था। अपने पास मदरबोर्ड रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए ये डायोड लगा है 1 2 3, एक ये लगा है 4, चार डायोड ये लगे हैं, एक डायोड ये लगा हुआ है, ये डायोड है। आप अपने मदरबोर्ड पे आप चेक कर लीजिएगा उनको, देखो उनको डायोड है। हाँ डायोड हो गए जाके, नहीं तो ये छोटे छोटे से मतलब कि डायोड होते हैं, और यहाँ पे डी की करके कोडिंग भी लिखी होती है। अगर PD लिखा है तो आप समझ जाएंगे वहाँ पे क्या है, पावर जो है पावर डायोड है, क्लियर। इतना समझ में आ रहा है, यानी कि पावर डायोड। तो ठीक है, ओके। हेलो, अच्छा, तो ये आप अपने पास मदरबोर्ड से आप इनको टेस्टिंग करिएगा, ओके। अच्छा, ये चीज़ कह रहे हैं कि ये जो डायोड होता है इसको हम लोग फॉरवर्ड बायस डायोड कहते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड यानी कि वोल्टेज जो है पी से एन की तरफ जाता है, एन से प्लस की तरफ जो है वोल्टेज नहीं आता, तो इसको हम लोग फॉरवर्ड बायस डायोड कहते हैं, फॉरवर्ड बायस। नहीं समझ में आया फॉरवर्ड बायस का? हाँ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं होना है, ओके। तो ये जो डायोड होते हैं मदरबोर्ड में दो तरीके से लगे होते हैं, एक तो होता है सीरीज और एक दूसरा होता है पैरेलल क्रम में लगे होते हैं, ठीक है। तो अब जब से सीरीज या इतने जो डायोड यहाँ पे लगे हैं, पहले इनकी नॉर्मली टेस्टिंग हम लोग देख लेते हैं कि टेस्टिंग कैसे करेंगे। तो मल्टीमीटर को हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी मोड पर सेट कर लेंगे, ठीक है। अब जो यहाँ पे लिखना एनोड, यानी कि इस वाले प्रॉब पे कनेक्ट करके हम इस पे रेड प्रॉब लगाएंगे प्लस एनोड सिरे पे, और कैथोड सिरे पे लगाएंगे माइनस, ओके, ब्लैक प्रॉब। तो क्या हो गया, वैल्यू आएंगे, तो यानी कि डायोड सही है। हाँ चेक करिए आप, वैल्यू है। रिवर्स कंडीशन पे आप लगाओगे तो वैल्यू नहीं आएगी, यानी उल्टा लगा दोगे, कैथोड पे अगर आप माइनस लगा मतलब प्लस लगा दोगे और एनोड पे प्लस लगा दोगे उल्टा होगा। हाँ मतलब कि यानी प्लस पे रेड प्रॉब, ब्लैक पे माइनस प्रॉब, तभी वैल्यू आएगी, पलट के लगाने पे वैल्यू नहीं आती है। आप चेक करिए,
चेक कर लिया। तो ये तो होगी जाके बात तुम्हारी डायोड की, ये मतलब तुम्हारा डायोड सही है, ठीक है। अब अगर दोनों तरफ से वैल्यू आती है, अगर दोनों तरफ से अगर वैल्यू आ रही है तो डायोड क्या होता है, लीकेज होता है, लीकेज होता है, यानी कि डायोड तुम्हारा खराब है, ठीक है। तो यानी कि वैल्यू सिर्फ एक तरफ से आनी चाहिए, और दोनों तरफ से अगर वैल्यू आ रही है तो क्या है, डायोड तुम्हारा लीकेज है। और अगर दोनों तरफ से अगर कनम करके बीप कर रहा है डायोड, तो डायोड तुम्हारा तो खराब, यानी कि शॉर्ट है उस कंडीशन पे। तो ये चीज ध्यान रखना, दो मतलब की टेस्टिंग है, एक तरफ से वैल्यू आएगी तो सही है, अगर दोनों तरफ से बीप कर रहे हैं या दोनों तरफ से वैल्यू आए तो डायोड जो है खराब होता है, क्लियर। अब जो ये डायोड जो होते हैं ये दो तरीके से लगे होते हैं, सीरीज पे लगे होते हैं और पैरेलल पे लगे होते हैं, ओके। तो हम कैसे चेक करेंगे सीरीज, वही कंटिन्यूटी मोड पे हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को सेट करेंगे, ओके। और उस मल्टीमीटर में आपको देखो एक सिंबल भी दिया होगा डायोड का, इसको हम लोग एक्चुअली डायोड मोड भी कहते हैं, दिया है मल्टीमीटर में। तो रेड पर आप लगाओ माइनस पे आप, ठीक, और इसके बाद आप डायोड को चेक करिएगा। तो अगर सीरीज में होगा तो क्या करेगा, वैल्यू देगा, ठीक है, दोनों पिनों पे या फिर एक पिन पे, यानी कि सही है सीरीज की अगर हम बात कर रहे हैं। आपके मदरबोर्ड में एक जो है रैम कनेक्टर के बाद D6 करके एक डायोड लगा है, आप उसे चेक करिएगा। हाँ, रैम कनेक्टर के पास में D6 करके एक डायोड लगा हुआ है, अभी हम आपको दिखा देते हैं, चेक करिएगा, ये सीरीज में लगा है ये वाला डायोड D6। नहीं नहीं नहीं, वो तो हो गई जाके आपकी की सिंगल कंपोनेंट की टेस्टिंग, अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं कि ये डायोड जो लगा है वो किस मेथड से लगा है, सीरीज में लगा है या फिर मतलब की पैरेलल में लगा हुआ है। तो रेड प्रॉब को आप लगा दो माइनस पे, ठीक है, और ब्लैक प्रॉब लगाओ डायोड के एक सिरे पे, तो वैल्यू आएगी 650 के समथिंग, और दूसरी साइड लगाओगे तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, यानी कि ये सीरीज में लगा हुआ है। आई वैल्यू कितनी आई, 574 आ रही है। इसके बगल में और भी डायोड लगे उनको चेक करिएगा, हाँ D9 पे देखो दोनों तरफ से वैल्यू आएगी, यानी कि ये तब भी ये सीरीज में लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे जो चार डायोड लगे हैं, चारों डायोड जो है वो सीरीज में लगे हुए हैं। अब जब पैरेलल कोई डायोड अगर जब मिलेगा आपको तो उसका एक सिरा क्या करेगा, बीप करेगा माइनस से, देख लो किसी दोनों साइड भी आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों साइड आए या फिर एक साइड आए, अच्छा दोनों साइडों पे नहीं आ रहे, तो ये सीरीज में है। अब पैरेलल में क्या होता है कि एक सिरा प्लस होता है और एक सिरा माइनस होता है पैरेलल में। तो अब पैरेलल आप चेक करिए, देखो कई साइड आए होते हैं, वही डायोड वाला है। आपके पास कौन सा मल्टीमीटर है, मैस्टिक का है क्या, हाँ तो वहां पे डायोड वाले पे तो ओम दिख रहा होगा, कंटिन्यूटी मोड पे आप लगाइए, कंटिन्यूटी मोड पे, हाँ आप चेक करिए, आप हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, वो सीरीज में लगा हुआ है, या अगर दोनों तरफ से अगर वैल्यू आए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो यानी कि सीरीज में लगा है। नहीं नहीं तब तो, ऐसे ये जब आपस में जब चेक करोगे कंपोनेंट तब की बात कर रहे हैं, नहीं समझ में आया,
तो कंपोनेंट की टेस्टिंग यहाँ पर कई तरीके से हो गई जाके, सीरीज की टेस्टिंग अलग है, पैरेलल की अलग है, और सिर्फ ओनली कंपोनेंट की टेस्टिंग क्या है वो अलग है। ओनली में क्या होगा कि रेड प्रॉब आप यहाँ पे लगाओगे डायोड के एक सिरे पे, और दूसरी प्रॉब यहाँ पे लगाओ कैथोड सिरे पे, ठीक है, तब वैल्यू आएगी, तो यानी डायोड सही है। रिवर्स पे लगाओगे वैल्यू नहीं आएगी तो सही है। लेकिन अगर ये मदरबोर्ड में जब लगते हैं तब ये सीरीज और पैरेलल के हिसाब से लगते हैं, हाँ, तो उसकी टेस्टिंग अलग हो जाती है जाके। तीन टेस्टिंग यहाँ पे हो गई जाके। इसके बाद खराब दो तरीके से यहाँ पे मैंने बताया, लीकेज और शॉर्ट। हेलो, हाँ ठीक। और अगर ओपन है तो क्या नाम करके कोई तरफ से भी वैल्यू नहीं आएगी, किसी भी तरीके से वैल्यू नहीं आएगी, तो यानी कि तो ये तुम्हारा हो गया डायोड। ओके, पैलर में आपको पैलर में कोई डायोड मिला? आप चेक करिए। अच्छा, पैलर में आपको नहीं मिला। और आपको कहाँ पे देखने को मिले डायोड? कहीं और कहीं देखने को मिले आपको डायोड? आपको पैलर में नहीं मिला ना? चलिए हम आपको पैलर में आपको दिखाते हैं। सीरीज में आपने देख लिए ना, ठीक, ओके। हाँ, अरे पैलर में लगा होगा तो एक 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 सिरा क्या करेगा, बीप करेगा नेगेटिव से। पैलर का मतलब क्या होता है कि एक सिरा प्लस और एक सिरा माइनस, हाँ, तो एक सिरा उसका बीप करेगा। यहाँ पर एक डायोड लगा, ये दो डायोड लगे हैं, ठीक, ओके। इन डायोड को चेक करो आप क्या बता रहा है। एक सेकेंड, उस डायोड का जो नाम है वो PD3 है, चेक करिए आप। PD3 है, देखा है उस पर? अब रेड पर आपको नेगेटिव पर लगाइए, आप चेक करिए। ब्लैक पर आप लगाइए डायोड पे, हाँ, एक साइड में बीप कर रहा है, एक साइड पे वैल्यू आ रही है, नो वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तुम्हारा पैलर लगा है, इसमें क्या है, माइनस से एक सरा जो है पैलर वो का नाम करके बीप कर रहा है, तो यानी कि पैलर है, बात समझ रही है। और जो अभी आपने डायोड चेक कर रहे थे उसमें क्या क्या है, GND से कोई भी सरा बीप नहीं कर रहा था ना ऐसा? नहीं, फिर चेक कर लो एक बार, हाँ दोबारा चेक करो इसको। हाँ, तो वो सीरीज में लगा है, और यहाँ पे ये जो बीप कर रहा है एक सिरा इसका, ये लगा है पैलर में, ओके। अब सिंगल जब चेक करोगे आप तो दोनों प्रॉब में आप डायोड पे लगाओगे, प्लस और माइनस पे बस, ठीक। तो सिंगल डायोड की टेस्टिंग हो जाएगी। अगर आपको ये जानना है कि सीरीज में लगा है पैलर में लगा है, तो आप रेड प्रॉब लगा दोगे नेगेटिव पर, वहां से आप चेक कर सकते हो। चेक कर लो, फिर आगे चलें। हो गया, चलिए ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ ऐसी चीज़ हो तुमको जो समझ में ना आई हो वो बताइए डायोड पे। पूरा हो गया, डायोड को डी से करते हैं बताया, फिर सर्किट सेकंड सिंबल मैंने आपको दिखाई दिया। रेक्टिफायर डायोड भी इसी कहते हैं, PN जंक्शन डायोड भी कहते हैं। ये एक फॉरवर्ड बायस डायोड होता है, काम करता है विद्युत धारा को एक ही दिशा में जो है वो प्रभावित करता है। वर्किंग भी मैंने बता दी, करंट जा तो सक मतलब जा सकता है लेकिन वापस नहीं आ सकता है, ठीक है। और इसकी टेस्टिंग सिंगल डायोड की कैसे करनी है, सीरीज में जो लगा है उसे कैसे करनी है, पैलर में कैसे करनी है, और ख़राब जो होता है वो ओपन होता है, शॉर्ट होता है,
और लीकेज होता है। तीन तरीके से जो होता है वो डायोड खराब होता है। शॉर्ट यानी कि प्लस माइनस सिरे दोनों बीप करेंगे, ओपन हो जाएगा तो कोई किसी भी तरफ से वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है, और दोनों तरफ से अगर वैल्यू है तो लीकेज होता है। क्लियर? इतना बिल्कुल क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है एक डायोड जिसको हम लोग लेते हैं जिनर डायोड। ओके, जिनर डायोड ये भी एक डायोड है, और तो इसको जब डायोड है तो इसको भी डी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी डायोड है सबको डी से ही प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं जिनर डायोड डालते हैं। तो ये आपके सामने रहा जेनर डायोड, और इसका सर्किट सिंबल में क्या है, एक जेड की तरह एरो बना हुआ है, देख लिया आपने ये। और नॉर्मल वाला जो डायोड था, जो रेक्टिफायर डायोड था, उसमें क्या होता है, जेड की तरह नहीं था, सीधी सीधी लाइन थी, ठीक। हाँ, इसमें भी वही सिरा, एनोड सिरा और ये कैथोड सिरा, यानी कि प्लस ये वाला एनोड यानी कैथोड यानी माइनस। नॉर्मल जो मतलब कि आप देखते हो सर्किटों में, उनमें इस तरीके का जेनर डायोड लगा रहता है। जो ब्लैक हिस्सा होता है वो माइनस होता है, जो रेड हिस्सा होता है वो प्लस सिरा होता है। क्लियर? ये एक रिवर्स बायस डायोड होता है। अभी मैंने जो पढ़ा बताया पहले वाला डायोड क्या था, फॉरवर्ड बायस। इसमें क्या आता है, करंट जो है वो रिवर्स होता है, इसलिए इसको कहते हैं रिवर्स बायस का मतलब कि डायोड होता है। ये काम क्या करता है, विद्युत धारा यानी वोल्टेज को फिक्स करता है, ठीक। फिक्स का मतलब जैसे मान लो कोई आईसी है, और आईसी को जो है बिल्कुल जैसे कि कोई आईसी ले लेते हैं, यहाँ पे ये आईसी है, ठीक है, इस आईसी को 1.5 वोल्ट चाहिए। क्लियर? ठीक है, तो अगर हम कोई भी और डायोड कुछ भी लगा देंगे तो वहाँ क्या होगा, वोल्टेज मान लो कम आया तो वह 1 वोल्ट उसके पास गया, या 2 वोल्ट आया तो उसके पास 2 वोल्ट चला गया, तो यानी कि 2 वोल्ट में आईसी खराब भी हो जाएगी, ज़्यादा पावर जाएगा, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, कोई भी आईसी की 2 वोल्ट की है, कोई 5 वोल्ट की, कोई 10 वोल्ट की है, और लैपटॉप में कोई 3.3 वोल्ट की, कोई 19 वोल्ट की आईसी। तो सब में क्या होता है कि हर जिस सेक्शन में डायोड लगा होता है वहाँ पर इसका काम होता है सिर्फ वोल्टेज को फिक्स करना, वोल्टेज को फिक्स करना। जो एक्स्ट्रा वोल्टेज होता है उसे ये क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। एक्स्ट्रा वोल्टेज जो होता है उसे ये रिवर्स कर देता है, ठीक। इसीलिए इसको कहते हैं रिवर्स बायस डायोड, रिवर्स बायस डायोड। अब कोई आईसी को अगर 5 वोल्ट चाहिए, मान लो इस आईसी को 5 वोल्ट चाहिए, तो अगर सर्किट में अगर जेनर डायोड लगा है इसके, तो अगर मान लो कि 5 वोल्ट जब तक आ रहा तब तक तो आईसी ये काम कर रही है, जैसे ही 6 वोल्ट आएगा तैसे क्या होगा, 1 वोल्ट को रिवर्स कर देगा, आईसी के पास सिर्फ जो है वो 5 ही वोल्ट जाने देगा, ज़्यादा वोल्ट आएगा उसको रिवर्स कर देगा। मान लीजिए 7 वोल्ट इस आ गया, किसी तरीके सर्किट में कोई कंपोनेंट खराब या हो गया और आईसी को सिर्फ 5 ही वोल्ट चाहिए, तो अब से 5 वोल्ट इस आईसी पे आएगा, और जो 2 वोल्ट जो एक्स्ट्रा हुआ वो करंट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, उल्टा चला जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं रिवर्स बायस डायोड, यानी कि ये वोल्टेज फिक्स का काम करता है, यानी कि अगर 5 वोल्ट चाहिए तो 5 वोल्ट ही निकालेगा। अब बहुत ज़्यादा पावर आ गया तो ये डायोड खराब हो जाता है, लेकिन आगे की जो सप्लाई है उसे वहाँ नहीं जाने देता, तो जो आईसी होती है वो सिक्योर्ड हो जाती हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं इसका जो काम है वो वोल्टेज को जो है फिक्स करना होता है जिनर डायोड का। हाँ, ये अलग अलग वोल्टेज के हिसाब से आते हैं कि आपको किस वोल्ट का चाहिए, 5 वोल्ट का, 10 वोल्ट का, 12 वोल्ट का, वोल्ट के हिसाब से आते हैं जिनर डायोड। ओके, ये हाँ जो नॉर्मली जो डायोड होते हैं 12 वोल्ट तक के, उनको उनकी जो लिमिट होती है वो 28 वोल्ट तक होती है। 28 वोल्ट से अगर ज़्यादा आएगा तो ये जो डायोड होते हैं खराब हो जाते हैं 12 वोल्ट वाले। अब जो जो इकोनॉमिक के लैपटॉप में जो लगे होते हैं 19 वोल्ट के, ठीक है, तो इनकी लगभग 48 वोल्ट के समथिंग की कैपेसिटी होती है, 48 वोल्ट की, ये 48 वोल्ट तक ये जो है जो डायोड है वो वर्क करते रहेंगे। इसके ऊपर अगर ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो क्या है, ये खराब हो जाते हैं, ये कहानी होती है इस डायोड की, ठीक।
और अगर हमारे पास कोई ऐसा अगर डायोड मतलब कि मिलता है जेनर डायोड, मतलब इतने सारे डायोड मेरे पास आए हैं सामने और मुझे इन सब की वैल्यू चेक करनी है कि कौन सा जो डायोड है वो कितने वोल्टेज का है, क्लियर। तो हम कैसे चेक करेंगे, मतलब कि कोई भी डायोड है तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज को हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, ओके। 12 वोल्ट ले लो आप, 5 वोल्ट ले लो, कोई भी वोल्टेज ले लो यहाँ पे, और आपने इस साइड पे लगा दिया, क्लियर, ठीक। तो आप क्या करोगे, यहाँ तो आपको 12 वोल्ट मिलेगा लेकिन यहाँ पे क्या है, वोल्टेज कम होके मिलेगा, ठीक है। यहाँ अगर 5 वोल्ट मिला तो आप समझ जाओगे 5 वोल्ट का जेनर डायोड है। इधर अगर 3.7 मिल रहा तो यानी 3.7 का जेनर डायोड है, क्योंकि देखने में तो सब वही सेम लगते हैं, देखने में सारे डायोड सेम लगते हैं लेकिन वोल्टेज सबका काम अलग अलग होता है, ठीक, ओके। कोई कोई ज़्यादा वोल्टेज को कम कर रहा होता है, कोई कम वोल्टेज को कम कर रहा होता है, कोई 5 वोल्ट के लिए, कोई 19 वोल्ट के लिए, कोई 12 वोल्ट के लिए होता है, ऐसे होते हैं। तो यानी कि यहाँ पे प्लस सिरा कनेक्ट करना है, यहाँ पे चेक करोगे 12 वोल्ट है, और इस साइड अगर चेक करोगे तो वो जितने वोल्ट का डायोड होगा यानी 10 वोल्ट का होगा तो यहाँ पे 10 वोल्ट शो करेगा, इधर 12 करेगा। अगर इधर ये 5 वोल्ट का है तो इधर 12 शो करेगा, इधर आपका 5 वोल्ट शो करेगा। ये 2 वोल्ट का है तो इधर 5, इधर कितना शो करेगा, 12, और इधर साइड में 2 वोल्ट। यानी कि हम ऐसे चेक कर लेते हैं वोल्टेज लगा के कि कितने पहलू का जो है डायोड है। ऐसे हम लोग मल्टीमीटर से नहीं चेक कर सकते हैं कि कितने वोल्टेज का डायोड है। मल्टीमीटर से हम सब ये पता कर सकते हैं कि ये डायोड जो है वो शॉर्ट है या खराब है या लीकेज है, बस। वोल्टेज की हम लोग वैल्यू नहीं चेक कर सकते हैं। वोल्टेज हम जब इसको हम डायोड को देंगे तभी चेक करेंगे 20 वोल्ट में लगा के ये कितने वोल्टेज का डायोड है, क्लियर। हाँ, तो काम इसका आपको समझ में आ गया कि वोल्टेज को ये फिक्स कर देता है कि अगर किसी आईसी को या किसी जिस सेक्शन में ये लगा है उस सेक्शन में पर्टिकुलर कोई कंपोनेंट या आईसी लगी है उसको अगर जितना वोल्टेज चाहिए तो ये वोल्टेज को फिक्स कर देता है, बिल्कुल उतना ही वोल्टेज उसके पास जाता है। अब आती है बात इसकी पहचान। तो पहचान तो आपने SMD तो देख लिया होगा, इस तरीके के भी लगे होते हैं SMD, ये जो है इस तरीके का भी दिखाई पड़ता है SMD में, रेड कलर का। ये वाला जो ब्लैक वाला, ये कौन सा सिरा है, नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ओके। तो ये वाला भी डायोड मिलेगा और कुछ इस तरीके के भी मिलेंगे, ये देख रहे हैं आप। हाँ, इस तरह के भी जो है डायोड आपको जिनर डायोड जो है वो मिलेंगे इस तरीके से। उसमें क्या था, ये जो था ऐसे जो थे उसमें क्या था, नॉर्मल डायोड था, ओके। तो अब ये जो मेन देखो, इनमें सिस्टम क्या होता है, जिनर डायोड और डायोड इनको थोड़ा पहचानना थोड़ा कठिन है, ठीक है, लैपटॉप के मदरबोर्ड में, क्योंकि ये दोनों एक टाइप से ही लगेंगे आपको देखने में। कुछ पुराने जो लैपटॉप हैं उनमें इस तरीके के रेड वाले जो हैं वो आपको दिखाई दे देंगे, लेकिन जो नए लैपटॉप आ रहे हैं उनमें इस तरीके के ही डायोड आपको देखने को मिलेंगे कि कौन सा जिनर डायोड है और कौन सा डायोड है, ये कन्फ्यूजन रहेगी। तो इसके लिए क्या है, हमें सर्किट डायग्राम जो है उसकी मदद हमको लेनी पड़ेगी, उसके हिसाब से हम लोग क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं कि जिनर डायोड है ये या फिर डायोड है। हाँ, ऐसे पता करते हैं, जैसे कि ये है, ये क्या है, एक जिनर डायोड का यहाँ पे दिखाया गया, यहाँ पे लिखा है SMD जिनर डायोड, ओके। तो ऐसे पहचानेंगे, ओके। अब आप SPG4 का फोल्डर कहाँ पे ये है इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। अब आपको बताते हैं कहाँ पे जिनर डायोड लगे हुए हैं, क्योंकि इसको भी डी से करते हैं रिप्रेजेंट है, हाँ दोनों डी से ही होते हैं। तो देखो ये 4 डायोड मैंने बताया था, नॉर्मली लगे हुए हैं, ओके। ये रैम वाईफाई कनेक्टर के पास में, इसके बगल में देखो एक बड़ा सा ये लगा है ब्लैक कलर का, इसके नीचे देखो देखो डायोड जो है वो लिखा होगा, और इसका जो नाम है PD15, देखा आपको PD15, ये है जिनर डायोड है आपका, ओके। जब आप सिस्टमेटिक डायग्राम जो है ट्रेस करेंगे, सर्किट ट्रेस करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद आपके यहाँ पे जो मदरबोर्ड आप यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे एक देखो डायोड है, यहाँ पे PD9 करके है, ये निकला हुआ है आपके मदरबोर्ड से, तो यहाँ पे ये भी एक जिनर डायोड है। मदरबोर्ड आप लिए हो, हाँ, तो ये भी एक डायोड है, वहाँ पे देखो PD9,
हाँ, ये भी मतलब डायोड लगा हुआ है, तो ये दो जिनर डायोड यहाँ पे लगे हुए हैं। ओके ठीक अब आपको क्या करना है, इसकी टेस्टिंग टेस्टिंग बात करें तो नॉर्मल कंपोनेंट मतलब सिंगल कंपोनेंट की टेस्टिंग क्या है, जो पहले डायोड की टेस्टिंग थी वैल्यू आती है सिंगल कंपोनेंट की, तो वही टेस्टिंग इसकी भी है। अब चेक करिएगा, क्या दिखाई दिया, हाँ एक साइड में वैल्यू आया कि नहीं, सीरीज और पैरेलल की वही टेस्टिंग है। तो अब ये दो डायोड लगे, आप हमें ये बताइए सीरीज में लगे हैं या पैरेलल में लगे हुए हैं। हाँ PD15 सीरीज में लगा हुआ है। हाँ अच्छा, तो PD9 है तो उसका एक सिरा क्या कर रहा है, माइनस से बीप कर रहा है, और दूसरे पे जो है वैल्यू आ रही है, तो यानी कि ये तुम्हारा जो है पैरेलल में हो गया, ये वाला तुम्हारा सीरीज में हो गया जाके। जब खराब होगा तो दोनों सिरे इसके क्या करेंगे, बीप करेंगे, ठीक ओके। अगर वैल्यू नहीं देगा तो ये जो कंपोनेंट है वो ओपन हो जाता है, दोनों तरफ से अगर आपस में चेक करोगे तो वैल्यू आती है, तो ये कंपोनेंट क्या होता है, लीकेज होता है। ठीक है, इतना समझ में आया, तो तुम्हारे दो डायोड खत्म हो गए। अब हम थोड़ा कन्फ्यूज, जो यहाँ पर कन्फ्यूजन थी डायोड को पहचानने से रिलेटेड, तो वो आप सिस्टमेटिक डायग्राम जो है ओपन कर लेते हैं, फिर उसके हिसाब से हम आपको वो दिखा देते हैं। ओके पड़ा हुआ है, निकालिए। तो क्या था, PD15 था ना, डायोड दिखा रहा है। हाँ PD, तो फिर ये डायोड है, और PD9 ये देखो जिनर डायोड है, ये देखिए है ना, और जबकि दोनों देखने में सेम लग रहे थे, इसीलिए मैंने सिस्टमेटिक डायग्राम का यूज़ किया है। ये कहाँ, यहाँ पे जिनर डायोड लगा हुआ है, देखिए है ठीक ओके, और इधर जो साइड में आ रहा है वो क्या दिखा रहा है, डायोड दिखा रहा है, बताइए, यही कन्फ्यूजन था एक। हाँ क्या गया, PD11 ये है जिनर डायोड, PD जो 11 है ये जिनर डायोड है, और PD15 जो है ये है नॉर्मल डायोड लगा हुआ है। तो ये आप देखो, देखो दोनों में, जबकि दोनों जो डायोड है मदरबोर्ड में वो सेम दिख रहे हैं, ठीक 1V 1V करके, और लेकिन जो है एक जिनर डायोड है और एक जो है नॉर्मल डायोड है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो और भी डायोड कई तरीके के, यहाँ पर देखो देख रहे हैं PD3 PD2 ये भी जिनर डायोड लगे हुए हैं, जेड का सिंबल है, और ये नया जो है नॉर्मल डायोड है। ठीक, तो इसीलिए मैंने सिस्टमेटिक डायग्राम आपको मतलब बताया कि ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट या कन्फ्यूजन ना हो, हो सकते हैं वो देखने में जो है वो एक ही तरह दिखाई दें, लेकिन जो उसका बेसिक गुण है वो सर्किट सिंबल उसका नहीं बदल सकता है, वो चाहे किसी की तरह मतलब दिखने लगे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो ये अभी आपको ट्रेस करना तो अभी नहीं आता है ना, ये वाला, हाँ
हाँ आप उसको चेक कर लेते हो कि मतलब कि क्या लगा हुआ है। अभी हम आपको बिल्कुल ट्रेसिंग करवा देंगे कि किस कौन से कंपोनेंट पे किस पे वोल्टेज, पहले सारे कंपोनेंट हो जाएं आपके। ओके, तो जेनर डायोड और तुम्हारा नॉर्मल डायोड जो रेक्टिफायर डायोड भी कंप्लीट हो गए जाके। ओके, अब तीसरा जो डायोड है उसे हम कहते हैं एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, इसको भी डी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो तुम्हारी होगी जगह एलईडी, और इसका सर्किट सिंबल इसका इस तरीके का होता है। इसमें क्या होता है, जो एरो जो होते हैं ये दो होते हैं बाहर की तरफ दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, इसका मतलब जो एरो ये बाहर की तरफ निकल रहा है वो प्रकाश होता है, प्रकाश। ओके, ये सारा इसका प्लस होता है और इस तरह वही माइनस होता है, यानी कि एनोड और कैथोड, यानी कि पॉजिटिव या फिर निगेटिव। ओके, तो ये एलईडी का सिंबल है और इसको डी से प्रदर्शित करते हैं एलईडी। ओके, लाइट इमिटिंग डायोड, इसको हम लोग सब जानते हैं, बचपन से सुनते हैं लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, तो वही ये डायोड है। इसका वर्क क्या होता है कि जब भी इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, प्लस रे को पॉजिटिव बैटरी के प्लस रे से और नेगेटिव को माइनस रे से, तो क्या होता है एलईडी जो है वो जलने लगती है। इससे क्या होता है प्रकाश उत्सर्जित होता है, लाइट यानी प्रकाश, इमिट का मतलब होता है उत्सर्जित करना, पैदा करना, जनरेट करना, तो प्रकाश उत्सर्जित करने वाला डायोड, यानी कि ऐसा डायोड जिसे प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे हम लोग लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं। ये इसका काम होता है। अब जो आपके जैसे हम लोग नॉर्मली एलईडी हम लोग कोई देखते हैं तो जैसे ये एलईडी हम लोगों ने बहुत देखी होंगी, ये वाली आज भी देखते हैं, इंडिकेटर के रूप में लगी होती थी। तो पहले जो ये एलईडी थी ये ग्रीन, येलो, वाइट, ब्लू, अलग अलग तरीके से आती थी, और अगर ब्लू है तो वो ब्लू कलर की का ही प्रकाश बाहर निकालती थी, रेड है तो रेड कलर का ही निकालती थी। आज की डेट में जो एलईडी आ रही है वो क्या नहीं, ट्रांसपेरेंट हो गई है। क्या हो गई, ट्रांसपेरेंट, यानी कि व्हाइट की तरह ही दिखाई देंगे और उसके अंदर से कलर जो होंगे वो अलग अलग दिखाई देते हैं। अब जैसे कि ये एलईडी यहाँ पे हमारे सामने है तो इसमें से एक सिरा इसका प्लस है और एक सिरा माइनस है, क्लियर। तो इसमें से हम कैसे पता करेंगे कि प्लस कौन सा है, माइनस कौन सा है। हाँ, ये बड़ा सा जो हमको दिख रहा है चौड़ा वाला पट्टा, पट्टी टाइप की लगी, ये है माइनस सिरा और ये वाला है इसका प्लस सिरा। तो ऐसे भी इसको हम लोग जान सकते हैं, जब भी इसको पावर देंगे तो ये क्या करना है, जलने लगेगा, यानी प्रकाश और सर्जित करेगा। लेकिन आपके जो लैपटॉप में है वो एसएमडी लगी होती है, ओके, इस तरीके की ये छोटी छोटी, ये आपको ऑन ऑफ बटन पे मिल जाएंगी, कैप्स लॉक, नेम लॉक वाली पे मिल जाएंगी, और जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग, ठीक है, ये सब आपके इस पर मतलब कि इंडिकेटर के रूप में आपके इस पर लगी रहती है एलईडी, ठीक, और ऐसे ही होंगे, और जैसे ये है इस तरीके मिलेंगी आपको एलईडी। ये तो हो के जाके एलईडी बल्ब की बात, इसमें तो नहीं मिलेगा, ये वाली मिल जाती है आपको लैपटॉप में, चार्जिंग वार्जिंग जो है वो शो करने के लिए ये एलईडी लगी होती है इंडिकेटर के रूप में। अब हम लोग बल्ब और एलईडी में क्या फर्क समझते हैं, बल्ब भी प्रकाश देता है, एलईडी भी प्रकाश देती है, तो हम बल्ब को क्यों नहीं यूज करते हैं, बताइए। नहीं तो बल्ब भी डीसी पे चलने वाले आते हैं, बल्ब भी आते हैं, हाँ, ऐसा क्यों होता है पावर कंजक्शन। देखो अब एलईडी और बल्ब में दोनों में क्या यूज, मतलब कि डिफरेंट क्या है, कि जो बल्ब होता है वो क्या करता है, मान लीजिए उसको हमने 12 वोल्ट एक एग्जांपल लेके समझते हैं, 12 वोल्ट से हमने एक बल्ब,
तो जैसे एक एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं, जैसे बल्ब है, ओके, तो बल्ब को मान ले हमने 12 वोल्ट दिया, तो 12 वोल्ट में वो क्या करेगा कि 8 वोल्ट का प्रकाश देगा और 4 वोल्ट जो होगा हमारा वेस्ट वेस्ट होता है, 8 वोल्ट का प्रकाश मिलता है और 4 वोल्ट जो होता है वेस्ट हीटिंग में जाता है, और हीटिंग तो हमें चाहिए ही नहीं, है ना, हमको तो प्रकाश चाहिए। ऐसे अगर हम एलईडी को गर्म गर्म करके अगर 12 वोल्ट देते हैं तो 12 वोल्ट में वो क्या करती है, 11 वोल्ट का प्रकाश देगी और 1 वोल्ट हमारे लिए जो बेस्ट होगा वो हीटिंग में जाएगा, तो हमारे लिए बेस्ट कौन है, एलईडी, तो इसलिए एलईडी का यूज करते हैं। हाँ, मतलब कि हमको प्रकाश चाहिए भाई, वोल्टेज तो दोनों ले रहे हैं लेकिन हमको प्रकाश काम जो जो अच्छा करेगा वही है ना भाई, हमको हीटिंग नहीं चाहिए तो 4 वोल्ट हमारे हीटिंग में वेस्ट है। एलईडी भी हीट करती है लेकिन ये बहुत कम वोल्टेज के लिए, इसीलिए लोग कहते हैं ना ऊर्जा बचाओ एलईडी लगाओ। तो इसकी भी टेस्टिंग ये है कि मल्टीमीटर जो कंटिन्यूटी मोड पे आप सेट करोगे मल्टीमीटर को, और जो 9 वोल्ट से जो कम की एलईडी है वो आपके मल्टीमीटर से जो है वो जलने लगती हैं, 9 वोल्ट की जो एलईडी होती हैं, ठीक है, 9 वोल्ट तक की, क्योंकि मल्टीमीटर के अंदर जो बैटरी होती है वो 9 वोल्ट की लगी होती है, ठीक है। तो अगर जैसे आप चेक करोगे कोई भी एलईडी है तो वो आपको क्या हल्की सी जलेगी, ज़्यादा नहीं जलेगी तो मतलब कि जलने लगती है। जैसे कि मान लो कि लैपटॉप की डिस्प्ले है, लैपटॉप की डिस्प्ले के अंदर जो लाइट है आजकल में एलईडी वाले आ रहा, पहले एफएल ट्यूब चलता था, ठीक है, अब आपके पास तो अभी भी आते हैं एफएल ट्यूब वाले, ठीक है, एलसीडी में लगा होता है। तो अब जो एलईडी है उनको अगर आप चेक करोगे तो वो यहाँ से चेक हो जाएंगी मल्टीमीटर से, तो रेड प्रॉब जो है प्लस पे लगाएंगे आप, और ब्लैक प्रॉब मल्टीमीटर की माइनस पे लगाएंगे एलईडी के, तो एलईडी क्या होगी, जलने लगेगी, ठीक, उल्टा लगाने पे नहीं जलेगी और जो जलने लगे तो फिर वो सही है, यही होता है एलईडी का सिस्टम, ठीक। एलईडी भी सीरीज और पैर मतलब कि जो है सीरीज और पैलर में लगी होती है, हाँ ये भी चेक हो जाती है, मतलब कि उतना ज्यादा प्रकाश नहीं देगी, हल्का सा प्रकाश देंगे देंगे। अब ये तो बताइए ये एलईडी किस में लगी, सीरीज में लगी पैरेलल में लगी है, ये सारी की सारी सीरीज में लगी है क्योंकि एक ही लाइन पे लगी है ना, और अलग अलग से अगर वायर होते तो क्या होता, ये पैरेलल में होते जाके, ये देखो यहाँ पर भी दी गया है एलईडी इन सीरीज, एक ही लाइन पे लगी है, अब ये वाली एलईडी किस पे लगी है, हेलो, हाँ क्योंकि रेड यहाँ से जैसे जा रहा है रेड तो प्लस और माइनस यहाँ से, ये पैलर में लगी हुई है एलईडी, तो इस तरीके से मतलब कि दोनों लगेंगे, ये जैसे ये है तो ये भी क्या है पैलर में लगी हुई है, प्लस से रहा प्लस से कनेक्टेड है और माइनस से रहा माइनस से कनेक्टेड है, तो यानी कि एलईडी पैलर में। अब पैलर में क्या होता है, अगर इसमें से अगर ये खराब भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, सर्किट जो है वो काम करती रहेगी, ओके, बात समझ रहे पहले, लेकिन ये जो है ये किस में लगी है, ये सीरीज में लगी है, इसमें से अगर एक खराब हो जाएगी तो आगे की जलेगी ना पीछे की मतलब की जलेगी, ठीक है, तो सीरीज में ये प्रॉब्लम आती है, अगर एक एलईडी अगर खराब हो गई है तो सारी एलईडी को बंद कर देती है, जबकि पैलर में क्या होता है, पैलर में अगर एक एलईडी अगर खराब है तो दूसरी एलईडी जलती रहेगी, उससे कोई मतलब नहीं होता उसको, ये होता है, क्लियर, ठीक, आप टेस्टिंग कर लीजिए। तो आज आपके 3 डायोड हो गए जाके, तीनों डायोड नॉर्मल रेक्टिफायर डायोड, जेनर डायोड और एलईडी डायोड, ओके, कुछ भी ये पूछना हो कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो बताइए, कल ट्रांजिस्टर पढ़ाते हैं, हैं, चलिए ठीक, फिर आज के लिए इतना ही, ओके, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा।